बात की जाए तो देखिए, क्वेश्चन जो है आपको मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया है, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया जी। जो टेस्ट चल रहा है वो सभी में दे दिया जाता है कि टेस्ट सबके लिए ज़रूरी है। और जो एस सीरीज़ का करेंट्स, एस सीरीज़ का जो करंट अफेयर का सीरीज है जी, वो जो आपको जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसी के केवल करंट अफेयर का डिस्कस किया जाता है। तो आप उस सीरीज़ को भी देख लीजिए इस वीडियो में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल पर जाएँ और सभी प्लेलिस्ट देखकर वहाँ से भी देख सकते हैं जी। बात की जाए तो मेरा दो चैनल है, जीनियस स्टडी और ऑनलाइन रेलवे स्टडी। तो ORS और ऑनलाइन रेलवे स्टडी भी चैनल है और जीनियस स्टडी भी चैनल है। तो ORS चैनल जो है, ORS चैनल पे बहुत सारे जो वीडियो हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे जी। जीनियस स्टडी पे करेंट अफेयर के वीडियो मिलते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पर आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ALP टेक्नीशियन का वीडियो ज़्यादातर आपको मिलेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपको अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जी। वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के भी न्यूमेरिकल बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं। उस सब आप जाकर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको भी पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को ज़्यादा पढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही। आज इस वीडियो का लाइक है जी 2000 का, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंजॉय योर लाइफ। हाय गाइस, दिस इज एन के राव फ्रॉम जीनियस स्टडी चैनल। डोंट मग अप, ट्राई टू बिल्ड अ रैशनल एंड लॉजिकल स्टडी। तो डिस्कस करते हैं आज 22 दिसंबर का करंट अफेयर। 22 दिसंबर पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, बोल रहा है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच कौन बने हैं जी। तो नए कोच कौन बने हैं जी, तो भारतीय, देखिए आप देख रहे हैं, वेंकेरी वेंकट रमन यानी WV रमन भी बोला जाता है। ये हमारे पूर्व क्रिकेटर प्लेयर हैं, इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया की तरफ से पहली बार शतक लगाया था जी। और अभी क्या है जी, वीमेंस टीम जो है उसके क्या है, कैप्टन कोच है, नए कोच चुने गए हैं। आप इनको देख सकते हैं, इनका फोटो रहा है ये। और बात की जाए तो वीमेंस टीम के ODI और टेस्ट का कैप्टन कौन है अभी, तो मिताली राज है। और T20 का कैप्टन कौन है वीमेंस टीम का, तो हरमनप्रीत कौर है। बात की जाए मेन टीम का, मेंस टीम का कैप्टन कौन है जी अभी, तो रवि शास्त्री है जी। चलिए अगले क्वेश्चन, 21 दिसंबर को भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक एवं जन आदान प्रदान का उच्च स्तरीय व्यवस्था पहली बार कहाँ आयोजित की गई है। तो आपको ये जो सांस्कृतिक और जन आदान प्रदान उच्च स्तरीय की गई है जी, नई दिल्ली में की गई है। यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री सुषमा स्वराज एवं चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सांस्कृतिक एवं जन आदान प्रदान का उच्च स्तरीय व्यवस्था की पहली बैठक की है जी, जो न्यू दिल्ली में हुआ है। बात की जाए न्यू दिल्ली के बारे में, तो न्यू दिल्ली के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जी। न्यू दिल्ली क्या है जी, एक केंद्र शासित प्रदेश है और एक स्टेट भी है। इसको क्या है जी, यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन भी होता है। चंडीगढ़ और नई दिल्ली में ये दो है जो यहाँ पे होता है आपको। चलिए नई दिल्ली के बारे में देखते हैं, नई दिल्ली की बाउंड्री कौन कौन से है जी। तो नई दिल्ली की बाउंड्री देख सकते हैं आप, हरियाणा और UP से है। नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर यूज की जाती है जी। तो यहाँ पे क्या होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल होंगे जी। तो यहाँ के उपराज्यपाल कौन है जी, तो यहाँ के उपराज्यपाल है अनिल बैजाल। CM कौन है जी, अरविंद केजरीवाल। यहाँ 86.21% क्या है जी, यहाँ पे साक्षरता दर है। जेंडर गैप क्या है जी, तो 868 है यहाँ पे। CM अरविंद केजरीवाल हो गए, गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजाल हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए राजेंद्र मेनन। लोकसभा की 7 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 70 सीटें हैं जी। चलिए 20 दिसंबर को लोकसभा में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2018 को पारित कर दिया गया। ये अधिनियम किस जगह लिया गया। चलिए पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं जी, दिल्ली के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। तो दिल्ली के बारे में जानते हैं जी, दिल्ली में ही आपको जल प्रवाह शिखर सम्मेलन हाल में ही हुआ है, हौसला 2018 का भी हुआ वहाँ पे लॉन्च किया गया है जी। मुख्य सचिव कौन है, विजय कुमार देव हैं। अंतर्राष्ट्रीय 38वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला भी नई दिल्ली में हुआ है। राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल स्थापना कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है जी। राजेंद्र मेनन नई दिल्ली चीफ जस्टिस बने हैं।
इंडिया एशियन इनोटेक समिट जो फिक्की के द्वारा कराया गया था वो भी नई दिल्ली में हुआ है। तो आप दिल्ली के बारे में इतना सब याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन भी जो हुआ था दिल्ली में हुआ है जी। चीफ जस्टिस हो गए मुख्य सचिव कौन है तो विजय कुमार देव है वहाँ पे। राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल उद्घाटन भी क्या हुआ है वहीं पे हुआ है जी। बात की जाए तो दिल्ली के डिप्टी सीएम कौन है जी, मनीष सिसोदिया। आपको भी पता है कि डिप्टी सीएम हर स्टेट का भी अब पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। बिहार का डिप्टी सीएम पूछा गया था ग्रुप डी में जी, तो ग्रुप डी में आपको बिहार का डिप्टी सीएम कौन थे जी, तो सुशील कुमार मोदी थे। और अभी जो नए स्टेट बने हैं वहाँ पे भी डिप्टी सीएम वगैरह बने हैं जी, सचिन पायलट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा सचिन पायलट कहाँ के डिप्टी सीएम बने हैं जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी। 20 दिसंबर को लोकसभा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया, यह विधेयक किस जगह लेगा। तो बताइए ये पहले जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो था 1986 उसकी जगह ये लेगा जी। तो 18 वाला क्या होगा, 86 के अंतर्गत क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा जी। तो यहाँ से देख सकते हैं जी, लोकसभा के बारे में जानने की कोशिश करते हैं जी। जी देखिए इसमें जिला राज्य और राष्ट्रीय स्तर पे उपभोक्ता विवाद निवारण हेतु तंत्र स्थापित किए जाएंगे, जो क्या करेगा जी, जो भी उपभोक्ताओं का कंप्लेन होगा उसको क्या किया जाएगा, सुना जाएगा, उसके लिए हक के लिए लड़ाई लड़ा जाएगा। बात की जाए लोकसभा के बारे में देख लेते हैं जी कि लोकसभा ने पारित किया है, उसके बाद ये राज्यसभा में जाएगा और उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कानून हो जाएगा जी। तभी लोकसभा में इसे पारित किया है। लोकसभा के स्पीकर कौन है जी, लोकसभा की संख्या 552 मैक्सिमम है और 543 अभी है, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड होते हैं और 543 चुन कर आते हैं जी। लोकसभा के स्पीकर कौन है तो सुमित्रा महाजन है जी। तो चलिए यहाँ से हमने ये सब सीखा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 20 दिसंबर को किस निकाय ने एशिया शेर संरक्षण परियोजना शुरू की है। तो देखिए बोल रहा है कि किस निकाय ने एशिया शेर संरक्षण किया है, तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने शुरू किया है जी। किसने किया थी, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया है। वन जीवन आवास विकास के द्वारा पोषित किया गया है, वन जीव आवास विकास के द्वारा ये पोषित किया गया है, जिसमें एशियाई शेरों का संरक्षण किया जाएगा जी। ये हमारे पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 21 दिसंबर को किस देश के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए जी जेम्स मैटिस हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात की जाए तो कहाँ के हैं जी, तो ये विदेश मंत्री थे वहाँ के, अमेरिका के। तो अमेरिका के बारे में कुछ जान लेते हैं जी। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है जी, तो डोनाल्ड ट्रंप है। अमेरिका की करेंसी क्या है, तो यूएस डॉलर है जी। अमेरिका के कैपिटल क्या है, तो वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के फेमस स्पेस एजेंसी नासा है। भारत सरकार ने 2017 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार के तहत निम्न में से किस श्रम भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखिए किसे श्रम भूषण से सम्मानित किया गया है, तो देखिए ये तीनों जो है श्रम भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मीनन श्रद्धा, बी बी वी प्रसाद राव, सुदीप पच्छल। बात की जाए तो श्रम भूषण पुरस्कार जो है आपको 31 पुरस्कार दिए जाएंगे, जिसमें 40 श्रमिकों को दिया जाएगा। तो इसमें भी कुछ जो पुरस्कार है वो क्या किया जाएगा, शेयर भी किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 40 श्रमिक हैं और 31 ही पुरस्कार है जी, श्रम भूषण पुरस्कार। तो कुछ जो पुरस्कार है वो शेयर किया जाएगा और कुछ पुरस्कार जो है सिंगल भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा जी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 दिसंबर को किस राज्य की सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के विलय के साथ स्वास्थ्य बीमा योजना MHIC-4 लॉन्च किया है जी। तो ये मेघालय है, मेघालय ने लॉन्च किया है जी। मेघालय ने जो केंद्र का आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके साथ विलय होकर स्वास्थ्य बीमा योजना MHIS-4 लॉन्च किया है और मेघालय ने इसे लॉन्च कर दिया है जी। तो देख सकते हैं, तो चलिए मेघालय के बारे में कुछ जानते हैं जी। यहाँ पे इससे क्या हो जाएगा, आपको प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये का बीमा मिलेगा और ये लगभग 8 लाख परिवारों को मिलेगा जी। बात करते हैं मेघालय का, तो मेघालय का गठन हुआ है 1 फरवरी। मेघालय देख सकते हैं जी किस किस से बाउंड्री लग रहा है, तो एक बांग्लादेश से, एक देश है जो बांग्लादेश से लग रहा है और एक आसाम से इसका बाउंड्री लग रहा है। तो इसका गठन कब हुआ है जी,
देखिए 47.43% इसका क्या है जी, साक्षरता है। इसका जेंडर गैप क्या है जी, तो 986 इसका जेंडर गैप है। 21 जनवरी 1972 क्या है इसका स्थापना हुआ है। कैपिटल क्या है जी, शिलोंग है। सीएम कौन है, तो कॉनराड संगमा है। गवर्नर तथागत रॉय हैं जी। राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 60 सीट है, जिले 11 हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है जी, मोहम्मद याकूब है। लोक नृत्य इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए डोग रगटा डो सुगा सोम नोग्रेड। आधिकारिक भाषा यहाँ की अंग्रेजी, इसको याद रखिएगा। जनजाति यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट है, गारो खासी और मिकिर। गारो खासी और मिकिर कहाँ है जी, तो यहाँ की है। हेलो, नेशनल पार्क की बात करते हैं जी, तो नेशनल पार्क भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाल फक्रम, नोफ्रेज रिज, बाघमारा पिक्चर याद रखिएगा जी। चलिए, किस राज्य की सरकार ने टेम्पू लिफ्ट सिंचाई योजना, टेम्पू लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की है। देखिए टेम्पू लिफ्ट सिंचाई योजना की है महाराष्ट्र की सरकार ने। टेम्पू आपको वहाँ का एक विलेज है जिसके नाम पे बताया जा रहा है जी। इसका 4089 करोड़ जो रुपये इसमें लगाया गया है जी। सतारा संघाली जो एरिया है वहाँ कृष्णा नदी पे आपको बैराज बनाया जा रहा है जी, जिससे क्या किया जाएगा उस एरिया में क्या जाएगा सिंचाई के लिए काम किया जाएगा जी। महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र के बारे में आइए थोड़ा सा जान लेते हैं जी। यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की बाउंड्री आपसे किससे किससे मैच करती है जी। तो महाराष्ट्र की बाउंड्री आपको नीचे से देखिए, ऊपर से देखिए, गुजरात, मध्य प्रदेश है जी, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटका है और गोवा है। बात की जाए तो इसके यूनियन टेरिटरी कौन पास में है जी, तो दमन द्वीप है और दादर है नगर हवेली है। फिगर में आप सही से देख लीजिए सब जी। जेंडर पर साक्षरता क्या है जी, 82.34% है। जेंडर गैप यहाँ पे कितना है जी, तो 929 है। चलिए जी, बात की जाए गठन का हुआ था तो 1 मई 1960 को हुआ था। सीएम कौन है, देवेंद्र फडणवीस है। गवर्नर कौन है जी, शशि विद्यासागर राव है। कैपिटल मुंबई है। लोकसभा की 48 सीटें है, राज्यसभा की 19 सीटें है, विधानसभा की 288 सीटें है, विधान परिषद का 78 सीटें है, जिला 36 है जी। मुख्य न्यायाधीश नरेश हरिश्चंद पाटिल है, याद रखिएगा, आजकल न्यायाधीश को भी पूछा जा रहा है, नरेश हरिश्चंद पाटिल है जी। और ये देखिए आपको मुंबई हाई कोर्ट जो है दमन एंड दीप और दादरा नगर हवेली का भी है और गोवा का भी है जी। तो आप देख सकते हैं मुंबई का गोवा में से भी शेयर करता है जी हाई कोर्ट, और दमन एंड दीप दादरा नगर हवेली जो इंडियन टेरिटरी है। नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदौली नागर नागे गांव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क है जी। यहाँ का लोक नृत्य लावड़ी है, लावड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावड़ी है। नेशनल पार्क चंदौली नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, चंदौली नेशनल पार्क, नावे गांव, संजय गांधी नेशनल पार्क। डैम की बात की जाए तो कोयना डैम जो कोयना नदी पे है और उज्जैनी डैम जो है भीम नदी पे है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20 दिसंबर को किस राज्य की सरकार ने एक हर्बल निगम स्थापना की है। देखिए हर्बल निगम की स्थापना जो है हरियाणा सरकार ने की है। इसमें आपको देखिए आयुर्वेद और हर्बल दवाओं को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया, जिसमें एक विश्वव्यापी नर्सरी भी स्थापना किया जाएगा। तो हरियाणा के बारे में देख लेते हैं जी। आप हरियाणा के देख सकते हैं यहाँ पे, हरियाणा जो है किस किस से घिरा है जी, तो आपको राजस्थान से घिरा है, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हिमाचल प्रदेश से। याद रखिएगा हरियाणा जो है उत्तराखंड से आपको नहीं घिरा है जी, उसका कंटेक्ट नहीं है जी। यहाँ पे बात की जाए इंडियन टेरिटरी कौन है जिसके बारे में, तो नई दिल्ली है जी। तो आप हरियाणा को हमेशा याद रखिएगा, उत्तराखंड से इसका कांटेक्ट नहीं है, नहीं तो आप 5 आंसर दे दिएगा। इस बार बात की जाए बीपीएससी के पेपर में, तो आपको पूछा गया था पटना जो जिला है बिहार का वो कितने जिलों से घिरा हुआ है, तो ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जी। इसमें भी आप स्टेट वाइज सबका मैप याद रखिएगा। चलिए जी, बात की जाए हरियाणा के बारे में और सब, तो यहाँ देख सकते हैं जी, गठन इसका बात किया जाए तो गठन कब है जी इसका, तो गठन है 1966 में। कैपिटल 75.55% क्या है जी, यहाँ पे साक्षरता है जी। बात की जाए जेंडर गैप का तो कितना है जी, 879 है यहाँ पे जेंडर गैप। देख सकते हैं जेंडर गैप बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे कम है जी, 879 है। बात की जाए यहाँ कैपिटल का तो कैपिटल कौन है जी, कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम कौन है जी, मनोहर लाल खट्टर है। गवर्नर सत्यपाल देव मलिक है जी। कौन है जी,
सत्यपाल देव मलिक हैं। देखिए यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर जो है बीजेपी के गवर्नमेंट की सरकार बनाए हैं जी गठबंधन से। लोकसभा की 10 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, विधानसभा की 90 हैं, जिला 22 है जी। मुख्य न्यायाधीश कौन है? कृष्णन मुरारी है। नेशनल पार्क याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, सुतारपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क कहाँ है जी? हरियाणा में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं मोरनी हिल्स है, नाहर है, वीर शिखरगढ़ है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बिहार की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस का सीएफओ कौन नियुक्त हुआ है जी? चीफ फाइनेंस ऑफिसर कौन है जी? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटो है जी, ये क्या है, सीएफओ बने किसके? इन्फोसिस की। इन्फोसिस के बाद नीलंजन रॉय जो है, नीलंजन रॉय जो है आपको सीएफओ बने हैं जी इन्फोसिस के। इन्फोसिस जो है आपकी बात की जाए तो टीसीएस के बाद इन्फोसिस आईटी कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है जी। तो इन्फोसिस के बारे में देख लेते हैं, इन्फोसिस का गठन कब हुआ जी? 7 जुलाई 1981 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी? तो बेंगलुरु में है। चेयरमैन कौन है? नंदन नीलकेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और एमडी और सीईओ सलील पारेख है, क्योंकि इस बार एमडी और सीईओ से बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको जरूर याद रखिएगा। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि टीसीएस के अभी सीईओ कौन है जी, क्योंकि सीईओ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनाए हैं और उसको मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं जी। लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा गया था, हाल में ही लोकसभा ने ट्रांसजेंडर समुदाय को एक अलग पहचान प्रदान करने के लिए किस विधेयक को पारित किया जी, ट्रांसजेंडर को? तो इसका मैंने दिया था, कल पूछा था जी, तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण विधेयक 2016 को है जी। बिहार में विधानसभा और विधान परिषद की संख्या कितनी है? तो देखिए बिहार में विधानसभा की सीटें हैं 243 और विधान परिषद कितना है जी? तो 75 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा कैंसर अस्पताल नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट NCI कहाँ पर लॉन्च किया गया है जी? आज का क्वेश्चन है दूसरा, जिसमें से किस राज्य की सीमा नेपाल को स्पर्श नहीं करती है? इसको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा जी। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। बात की जाए तो देखिए क्वेश्चन जो है आपको मैं बता देना चाहूँगा कि देखिए बेसिक साइंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट अलग अलग बना दिया गया है, करंट अफेयर का प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया जी। जो टेस्ट चल रहा है वो सभी में दे दिया जाता है कि टेस्ट सबके लिए ज़रूरी है। और जो एस सीरीज़ का जो करंट अफेयर का सीरीज है जी, वो जो आपको जो भी एग्जाम होते हैं उसी के केवल करंट अफेयर का डिस्कस किया जाता है, तो आप उस सीरीज़ को भी देख लीजिए इस वीडियो में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस चैनल पर जाएं और सभी प्लेलिस्ट देखकर वहां से भी देख सकते हैं जी। बात की जाए तो मेरा दो चैनल है, जनरल स्टडी और ऑनलाइन रेलवे स्टडी। तो ORS और ऑनलाइन रेलवे स्टडी भी चैनल है और जनरल स्टडी भी चैनल है। तो ORS चैनल जो है, ORS चैनल पे बहुत सारे जो वीडियो हैं आप देख सकते हैं वहाँ पे जी। जनरल स्टडी पे करंट अफेयर के वीडियो मिलते हैं ज़्यादातर, और वहाँ पे आपको बेसिक साइंस इंजीनियरिंग जो ALP टेक्नीशियन का वीडियो ज़्यादातर आपको मिलेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी आपको अलग प्लेलिस्ट बना दिया गया है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं जी। वहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं और इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग के भी न्यूमेरिकल बहुत सारे डिस्कस किए गए हैं, वो सब आप जाकर वीडियो लेक्चर देख सकते हैं और वहाँ से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको भी पता है कि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग को ज़्यादा पढ़िए। तो बस आज के लिए इतना ही, आज इस वीडियो का लाइक है जी 2000 का, तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर लाइफ।